नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं पांच का पंच। तमाम खबरें हैं, उसमें एक खबर जो बहुत महत्वपूर्ण, राजनीतिक बहसबाजी किस तरीके से गर्मा रही है। एक तरफ बीजेपी के गढ़ में राहुल गांधी, दूसरी तरफ राहुल गांधी के गढ़ में बीजेपी। सारे बयान, सारी खबरें जुड़ी इससे आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं पांच का पंच, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेक इन इंडिया तो खैर बाद में होगा, मूर्ति इन इंडिया पहले हो रहा है। जी हां, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पटेल की मूर्ति बनाएंगे, अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सरयू के किनारे श्री राम की बड़ी भव्य प्रतिमा बनाएंगे। नमस्कार, पांच का पंच में मैं हूं पद्मजा जोशी। सियासत के बीच आम आदमी की बात भी होगी, जिसके लिए दिल्ली मेट्रो अब इतनी महंगी हो गई है, लेकिन बीजेपी शासित दो राज्यों में थोड़ी सी राहत है क्योंकि अब लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच का पंच, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज बात होगी एवरग्रीन रेखा की। एवरग्रीन इसलिए क्योंकि शायद उम्र के सभी तकाजों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, 63 की हो गई। उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करेंगे उनके पांच बेहतरीन गानों के साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे 4:30 बजे, सीक्रेट सुपरस्टार हम इन्हें कह रहे हैं आमिर खान होंगे, तो बातचीत का दौर उनसे भी शुरू होगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। दोस्त, बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं हमारे सामने, लेकिन सियासत की तस्वीर के साथ सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब जब सियासी अखाड़े में उतरते हैं और बयानबाजी करते हैं, तो इस बार तो गुजरात में बयानबाजी कर रहे हैं, वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, मोदी सरकार पर चुन चुन कर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज राहुल के गढ़ अमेठी जाकर उन्हें निशाने पर सबने लिया। विकास का मुद्दा इधर भी उधर भी, राहुल और अमित शाह दोनों ने एक दूसरे पर विकास को पीछे धकेलने के आरोप मढ़े हैं। लेकिन एक तरफ अकेले राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ अमेठी में तीन तीन कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के। मोदी सरकार से 3 साल के हिसाब मांगने के सवाल पर अमित शाह ने राहुल गांधी से 3 पीढ़ियों का हिसाब मांग लिया। दस अक्टूबर के कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक मैंने 2 तारीख को देखा कि अमेठी में दिल्ली के एक शहजादे भी किसी यात्रा पर आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, अमेठी के बारे में कभी सुध नहीं थी, हर महीने इटली की याद तो उनको आती थी, अमेठी की याद नहीं आती थी, और अमेठी की याद अचानक कैसे आई, और फिर उस कार्यक्रम को कैसे गुमराह करने का प्रयास हो रहा था। लेकिन स्मृति जी के बहाने सही कांग्रेस के शहजादे को पहली बार 3 दिन अमेठी के अंदर रहने का तो अवसर प्राप्त हो गया, और आप लोगों को पहली बार उनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। विधानसभा के चुनाव में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे थे तो उन्होंने मुझसे मात्र एक प्रश्न पूछा था कि बहन, विधानसभा के चुनाव में अमेठी में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, एक इतिहास हम रचेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इतिहास रचा, 5 में से 4 सीटों पर कमल का फूल खिला। आज आप दोबारा लौटे हैं अमित भाई, आज अमेठी की जनता आपको आश्वस्त करना चाहती है कि 2019 में आप किसी को भी मौका दें इस भूमि का नेतृत्व करने के लिए, लेकिन अमेठी की जनता, अमेठी के कार्यकर्ता आज आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि लोकसभा के 19 के चुनाव में भी कमल का फूल यहां खिलेगा। आज मैं राहुल गांधी को इस धरती पर से सवाल पूछना था, वो गुजरात में है और गुजरात के विकास के लिए सवाल पूछ रहे हैं। मैं आज इस धरती पर राहुल गांधी जी को सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, आप मुझे बताइए, इतने साल से आप सांसद हैं, अब तक अमेठी में कलेक्टर ऑफिस क्यों नहीं बनी, अब तक टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना, अब तक आकाशवाणी का एफएम रेडियो क्यों नहीं आया, अब तक गरीबों को आवास क्यों नहीं मिले, अब तक ये मां गोमती के कटाव से कटने वाले गांवों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं की।
राजनीति की भी आजकल अलग रीत चल पड़ी है। दिलचस्प यह है कि वो आपके गढ़ में पहुंचता है, आप उसके गढ़ में पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, यहां पर पूरी की पूरी टोली अमेठी में घर करी हुई है। राहुल गांधी ने किन शब्दों में कैसे दहाड़ कर प्रधानमंत्री से लेकर पूरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, देखिए। आपको सेल्फी लेने में बड़े मजे आ रहे हैं, नहीं बाबा सुनो, आपको सेल्फी लेने में बड़े मजे आ रहे हैं, मगर उस फोन ने चाइनीज युवा को जॉब दिया है, हिंदुस्तानी युवा को जॉब नहीं दिया है। तो जब आप सेल्फी लेते हो उसमें देखो मेड इन चाइना, आप उनकी मदद कर रहे हो। और क्यों हो रही है मदद? क्योंकि हमारे देश का फोकस, हमारी लीडरशिप का फोकस, मोदी जी का फोकस जॉब्स पे नहीं है। कंपनी 6-7 साल पुरानी, 2014 से 6-7 साल पुरानी, 50,000 रुपए बैंक में। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया अनाउंस किया, मेक इन इंडिया अनाउंस किया। पता नहीं शाहजी के मतलब माइंड में क्या आया, कैसे आया, बड़ा बड़ा इनोवेटिव आइडिया आया और उन्होंने अपना काम किया। 3-4 महीनों में 50,000 के 80 करोड़ बन गए, अनसिक्योर्ड बैंक लोन मिल गया, अलग अलग चीजें हुई। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, 2016 में इतनी सक्सेसफुल कंपनी को शाहजी ने बंद कर दिया। आप सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो संगठन से आपको पता लग जाता है, कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। तो राहुल गांधी काफी जो एक सोशल मीडिया में हाल फिलहाल में गुजरात में काफी एक नारा चल रहा है, विकास पागल हो गया है, उसको लेकर के एक बार फिर से उन्होंने अटैक किया बीजेपी के। एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट कल मैंने पढ़ा जिसमें लिखा था कि लगता है राहुल गांधी फिर छुट्टी पर जाने वाले हैं, क्योंकि इतने सक्रिय और अचानक वो छुट्टियों से पहले होते हैं अक्सर, और फिर उसके बाद पता चलता है कि 2 दिन या 3 दिन के लिए वो कहीं गायब है, जिसके बारे में कांग्रेस को भी नहीं पता कि वो कहां गए, मंथन करने के लिए। अभी तो लंबी छुट्टी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि उनके ट्वीट स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अक्सर जब वो ट्वीट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं अपने बयानों की तरह, कि इस बार शब्द काफी परफेक्ट निकल रहे हैं उनके। चलिए अच्छी बात है, एक सशक्त विपक्ष बहुत बड़ी जरूरत है इस देश की। इस सब के बीच हम आपको अयोध्या भी लिए चलते हैं, क्योंकि पतित पावनी सरयू के तट पर अब श्री राम की एक मूर्ति, एक विशालकाय मूर्ति के निर्माण की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सब सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण न हो और उसके सांत्वना पुरस्कार के तौर पर लोगों को ये जो मूर्ति है वो दी जा रही है। राम मंदिर ना सही, राम की प्रतिमा ही सही। राम जन्मभूमि ना सही, सरयू का तट ही सही। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह राम मंदिर नहीं बल्कि राम की सबसे ऊंची प्रतिमा है, क्योंकि विकास में पिछड़ी हुई राम की जन्मभूमि को चमकाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है और तैयार किया है नव्य अयोध्या प्लान, जिसमें प्रस्ताव है दुनिया की सबसे ऊंची राम की प्रतिमा का। नव्य अयोध्या प्लान में सरयू किनारे 100 मीटर यानी 328 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की योजना है। अगर ऐसा हुआ तो ये देश में बीजेपी सरकारों की ऐलान की हुई तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। अब तक गुजरात में नर्मदा तट पर 597 फीट की स्टैचू ऑफ यूनिटी और मुंबई में 623 फीट की शिवाजी की मूर्ति का प्रस्ताव पहले ही हो चुका है। राम की मूर्ति इस कड़ी में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। हालांकि इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इजाजत की जरूरत पड़ेगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दरअसल योगी सरकार राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना चाहती है और इसके लिए उसने नव्य अयोध्या प्लान तैयार किया है और दिवाली पर त्रेता युग की तरह जश्न मनाने की योजना है। इस प्लान की लागत है 195 करोड़। इसमें सरयू किनारे राम कथा गैलरी और दिगंबर अखाड़ा परिसर में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम निर्माण शामिल है। साथ ही दिवाली पर 71,000 दियों से
दीपोत्सव मनाने की भी योजना है। दिवाली पर थाईलैंड और मलेशिया के कलाकारों से रामलीला मंचन कराने का भी प्लान है। योगी सरकार के इस मेगा मूर्ति कार्यक्रम से पर्यटन कितना बढ़ेगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इसके ऐलान से राम भक्तों में जोश जरूर भर गया है, जबकि विपक्ष इसे सियासी दांव मान रहा है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो श्री राम की मूर्ति बनने वाली है, कुतुब मीनार से भी ऊंची होगी ये मूर्ति। और जो विपक्ष है इस वक्त कह रहा है कि कुछ ही महीने हुए हैं जब गोरखपुर में इतने बच्चों की मौत हो गई, जो सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश में इतनी जर्जर हालत में है, क्या मूर्ति पे इतना खर्च करना सही है? और मतलब राम मंदिर का भी सबसे ज्यादा अयोध्या जाने वाले मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ बन गए हैं, लेकिन टाइमिंग पर भी गौर करना होगा अंजना। ये जो दिवाली का मौका है इसके आसपास वो जाएंगे वहां, और शायद इस बार बहुत सुंदर दिवाली का त्योहार भी वहां मनाया जाएगा, दीपावली लड़ियों के साथ बहुत सुंदर त्योहार। दिलचस्प है कि एजेंडा हिडन नहीं है, ये बात तो देनी पड़ेगी आपको कि हिडन एजेंडा नहीं है कि बीच बीच में हम जय श्री राम बोल दिया। योगी आदित्यनाथ खुलकर सामने आते हैं, और ये देखिए कंपैरेटिव, ये सबसे दिलचस्प है। जो चार मूर्तियां आप देख रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहुंचता हुआ राम की मूर्ति तक, जो प्रस्तावित इसकी ऊंचाई है वो 328 फीट है, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ऊपर लेकिन बाकी दोनों से नीचे। हम बात करेंगे अब पेट्रोल और डीजल के दामों की। किस तरह से लगातार सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए जाएं, तो पहले गुजरात सरकार ने दाम घटाए, 2 रुपए 93 पैसे पेट्रोल को सस्ता कर दिया, फिर महाराष्ट्र सरकार भी आगे आई, फडणवीस सरकार ने 2 रुपए सस्ता कर दिया पेट्रोल। और ये एक तरह से कहा जा रहा था, जो लगातार विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा था, नीतीश सरकार ने भी कहा कि बेस प्राइस को कम किया जाए जिससे दाम घटेंगे, लेकिन बेस प्राइस तो नहीं, सीधे दाम ही घटा दिए गए। और अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग वैट लगता है जिसकी वजह से कीमतें अलग अलग होती हैं, और अब बीजेपी शासित राज्य गुजरात और महाराष्ट्र को राहत। लेकिन देखिए यहाँ पे पेट्रोल के दाम कम जरूर हुए, लेकिन मेट्रो का किराया जो है वो बढ़ गया है। दिल्ली में किरायों में तब्दीली आई है और इसकी वजह से जो है विरोध प्रदर्शन भी मेट्रो भवन के आसपास देखने को मिला। आखिरकार काफी हुज्जत के बाद दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ चुका है, साल में 2 बार किराया बढ़ा है, महज 5 महीने के भीतर किराए में ये दूसरी बढ़ोतरी है जो आज से पहले दिल्ली मेट्रो ने कभी नहीं देखी। हमारा नॉर्मली वैसे 12 लगता है, बट आज हमारा 16 रुपए लगा है। अगर नॉर्मली ऐसे बढ़ता रहा तो हमारी पॉकेट मनी भी इतनी नहीं है, तो शायद इतना फिर नहीं हो पाएगा मेट्रो में, फिर शायद ट्रैवल छोड़ना भी पड़ेगा मेट्रो से। 1000 बढ़ गया है बिकॉज कई स्टूडेंट होते हैं जो वीकली जाते हैं घूमने, बट उनका अब सफर हो सकता है कैंसिल। हमारी पॉकेट मनी इतनी नहीं है कि हम मंथली का खर्चा इंक्रीज करते हैं डेली। स्टूडेंट्स की हमने आपको बात सुनाई, नौकरी पे जाने वाले लोगों से भी हम बात करते हैं। जी आप बताएं कहाँ आप सफर करते हैं, रोज का किराया आपका कितना बढ़ गया? हमारा पहले 30 रुपए था, अभी 40 रुपीज हो चुका है किराया, 40 रुपए हो गया। हाँ जी 40 रुपए हो चुके हैं एक तरफ का डेली, उसके 80 रुपए। तो क्या लगता है आपको कि कितना ज्यादा आपको लग रहा है कि अब आपके बजट पर असर करेगा? किराया तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ऐसे बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी लोग कम होंगे मेट्रो से कम होंगे तो ऑटो का इस्तेमाल करेंगे, और ऑटो का इस्तेमाल करने से का शुरू स्विंग है एबीवीपी, वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। जो मेट्रो भवन है उसके आसपास सुबह से ही ये प्रदर्शन किए गए हैं, जो ये भाड़ा बढ़ाया गया है मेट्रो का वो वापस लिया जाए, ऐसी मांग की है एबीवीपी ने। दिल्ली सरकार भी पुरजोर विरोध कर रही है इस बढ़ाए हुए भाड़े का। जबकि वही हरदीप सिंह पुरी तो ये कह रहे थे कि इसे हम डीटीसी नहीं बनने दे सकते, तो किराया बढ़ाना जरूरी है मेट्रो की बेहतरी के लिए भी, सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। पता कि यात्रियों से कितना बात हो पाती है, क्योंकि लोग बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, चाहते हैं कि ज्यादा कोचेस, जैसा पद्मजा कह रही थी ब्रेक में, वो जुड़े और सुविधाएं मिले। तमाशा सियासी भी होता है कई बार। हम बात करेंगे हनीप्रीत की, क्योंकि हनीप्रीत ने पुलिस को घुमा दिया है, अपने सवाल जो जवाब वो दे रही है, पुलिस बार बार उसे जो सवाल कर रही है, कई ऐसे सवाल है जिनका वो या तो चुप्पी से जवाब देती है या फिर कुछ ऐसे गोलमोल तरीके से जवाब देती है कि अब पुलिस उसकी रिमांड बढ़ाना चाहती है। इसीलिए आज पंचकुला कोर्ट में पेशी हुई हनीप्रीत की, 9 दिन की पुलिस रिमांड के लिए मांग की जा रही है, और अब जो 6 दिन की रिमांड थी वो आज खत्म हो चुकी है, और इस रिमांड के खत्म होने के बाद आज पंचकुला कोर्ट में हनीप्रीत की पेशी हुई।
हमारे संवाददाता सतीन चौहान की रिपोर्टिंग। हनीप्रीत पिछले छह दिनों से पुलिस रिमांड पर लगातार पुलिस को उलझा रही है। पुलिस ने सैकड़ों सवालों की सूची बनाई थी और हर सवाल पर कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह कर रही है। आप देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच हनीप्रीत को जो है अदालत में पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्वैट के कमांडोज लगाए गए हैं और पिछले छह दिनों से जो है एसआईटी की टीम लगातार जो है हनीप्रीत से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 38 दिन थे वो कहाँ पर रही थी इन 38 दिनों में और इन 38 दिनों से किन लोगों के संपर्क में थी, किसने उसको शेल्टर दिया। इसके अलावा पंचकुला में जो दंगे हुए थे उन दंगों की साजिश में कितने लोग इन्वॉल्व थे और क्या क्या उनकी भूमिका थी आप देख सकते हैं। आज बस के अंदर हनीप्रीत को यहाँ पर लाया गया है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप ये देखिए हनीप्रीत जो है जो पहले दिन आई थी लाल कपड़े पहने हुए थे, आज पीले सूट में है हनीप्रीत और चेहरे को जो है ढका हुआ है और पुलिस जो है एक बार फिर से हनीप्रीत का रिमांड मांग रही है क्योंकि जो अनसुलझे सवाल थे, जिन सवालों के जवाब पुलिस को चाहिए थे हनीप्रीत से, वो मिल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर से पुलिस रिमांड की मांग की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि पुलिस को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए क्योंकि हनीप्रीत लगातार पुलिस को बरगला रही है। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ सतेंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक। तो पूरे मामले को लेकर जो सवाल है वो अब भी पहेली बने हुए हैं क्योंकि जवाब पुलिस को नहीं मिल रहे, लेकिन इस बीच अब पुलिस को तलाश एक सीक्रेट डायरी की भी है जो हनीप्रीत की है और ऐसे आसार हैं कि इससे बहुत से राज आगे खुल सकते हैं। छह दिन के रिमांड में हनीप्रीत ने बहुत कुछ छिपाया तो कुछ राज उसकी जुबान पर आ भी गए। हनीप्रीत से पुलिस ने 40 से ज्यादा सवाल पूछे जिनमें से ज्यादातर के जवाब उसने नहीं दिए। हनीप्रीत ने ऐसे किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया लेकिन जिन सवालों के जवाब उसने दिए उनसे एक बड़ी लीड पुलिस को मिल चुकी है और इन्हीं में से एक है सीक्रेट डायरी का राज। डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय में 17 अगस्त को हुई मीटिंग का ब्यौरा है जिस मीटिंग में 25 अगस्त को पंचकुला में हुई हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत इंसान ने अपनी एक गोपनीय डायरी की बात भी की है जिस डायरी में उसने डेरा से जुड़े कई राज लिख कर छोड़े हैं। पुलिस इस डायरी और हनीप्रीत इंसान का खोया हुआ मोबाइल हासिल करके अब उन राज जो सीक्रेट्स हैं उन तक पहुंचना चाहती है जो अभी तक एक राज ही है। हनीप्रीत ने ये तो कबूला है कि वो पंचकुला हिंसा के बाद फरार हुए आदित्य इंसा और पवन इंसा के संपर्क में थी लेकिन उनके सही ठिकानों को लेकर वो अब तक खामोश है। इसके अलावा गुरलीन इंसा के नाम से बनी हनीप्रीत की फेसबुक आईडी के राज से पर्दा उठना भी अभी बाकी है। मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। हनीप्रीत पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है तो अब उस देश की बात करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक पहेली है। बात हम कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, उत्तर कोरिया की, जहां पर किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है उन्होंने अपनी बहन को पॉलिट ब्यूरो का सदस्य बना दिया है। क्यों ऐसा सोचा जा रहा है कि हाल फिलहाल में जब अमेरिका ने अपना रुख कड़ा किया है नॉर्थ कोरिया की तरफ तो शायद उन्हें आशंका है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है और इसीलिए वो देश की कमान अपने ही परिवार के किसी सदस्य को देना चाहते हैं। सनकी तानाशाह को सता रहा है मौत का डर, बहन को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है किम योंग। बात बात पर मिसाइल और न्यूक्लियर बम टेस्ट करने वाला किम योंग उन असल में मौत के डर से थरथरा रहा है। नॉर्थ कोरिया से आई ताजा खबर से इस बात के संकेत हैं कि तानाशाह अपनी जिंदगी पर मंडराते खतरे को शिद्दत से महसूस कर रहा है। किम यो योंग, सन की तानाशाह की छोटी बहन, अब अपनी तानाशाह भाई के बाद नॉर्थ कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्स बन गई है। किम योंग ने अपनी छोटी बहन को पार्टी के पोलित ब्यूरो का सदस्य बना लिया है। किम योंग के पिता की मौत के बाद फिल्माए गए इस पुराने वीडियो में किम यो योंग हर जगह पर अपने तानाशाह भाई के बाजू में खड़ी दिखाई दे रही है लेकिन अब वो नॉर्थ कोरिया में सरकार के नाम पर होने वाली हर सनकी फैसले की साझेदार होगी। नॉर्थ कोरिया में राजनीतिक संगठन के नाम पर महज एक वर्कर्स पार्टी ही वजूद में है और इसका सर्वे सर्वा तानाशाह किम योंग है। पार्टी के पोलित ब्यूरो में किम योंग के अलावा उसके चंद खासम खास लोग ही शामिल हैं जो सारे फैसले करते हैं। इसी पोलित ब्यूरो में छोटी बहन को शामिल करवा कर तानाशाह ने एक तरह से अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और हाइड्रोजन बम परीक्षणों से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सन की तानाशाह को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। शायद इसीलिए किम योंग ने अपनी मौत हो जाने की सूरत में देश की बागडोर अपनी बहन के हाथों में रखने की तैयारी कर ली है।
आज तक ब्यूरो। दुबली पतली छरहरी बिल्कुल अपने भाई की तरह नहीं दिखने वाली, लेकिन अहम यह है कि जितनी तस्वीरें हमने दिखाई हैं उन सब में उसके पीछे नजर आती है वो, यानी कि एक बहुत करीबी साझेदार, चाहे कूटनीति हो, रणनीति हो, या फिर वहां पर शायद शासन को लेकर उसकी इनसिक्योरिटी दिखा रहा है कि एक फैमिली के सदस्य को बनाया पॉलिट ब्यूरो का मेंबर। तो जितने भी वजनदार वो हैं, पीछे उनकी बहन दिखाई देती है उनकी रक्षा में, अब वही सामने आएंगी। बहरहाल हमने सनक की ये तमाम खबरें आपकी आपको किम जोंग की दिखाई, लेकिन ऐसी कुछ तस्वीरें भाई आपको दिखाते हैं जिन सब पर सनक सवार है, या तो खुद अपनी जान जोखिम में डालते हैं या फिर दूसरों की भी। प्लेटफॉर्म पर तलवार के साथ स्टंट, बस पर मौत का तमाशा। अपनी जिंदगी से खेलते ये सन की लड़के कॉलेज के छात्र हैं। इन छात्रों ने अपने स्टंट के 3 वीडियो शूट कर इंटरनेट पर डाल दिए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये पिगडैल युवा अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। इनके हाथों में नंगी तलवारें हैं जिसे ये लहरा रहे हैं। सोचिए किसी मुसाफिर को ये लग जाए तो क्या होगा। दूसरे वीडियो में ये चलती बस में खिड़की के सहारे चढ़ रहे हैं। इनका तमाशा यही नहीं रुका, आखिरी वीडियो में ये स्पीड में चल रही बस पर छलांग लगाकर उसकी खिड़की के सहारे चढ़ जाते हैं। सोचिए जरा सी चूक इन्हें मौत के मुंह में ढकेल सकती है। अपनी सनक पर शर्मिंदा होने की बजाय इन लड़कों ने इसे मशहूर होने का हथियार बना लिया है और फेसबुक जैसी सोशल साइट में इसे अपलोड कर दिया है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस की आंख खुली। जांच में पता चला कि इसमें तमिलनाडु के पचियप्पा कॉलेज के छात्र हैं। पुलिस ने फिलहाल इन बिगड़ैल लड़कों को दबोच लिया है। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। सोचने वाली बात है कि क्या मिलता है इन सब लड़कों को ऐसे स्टंट्स करके, जबकि पता है कि 50% इसमें चांसेस हैं कि आपको या तो चोट लगेगी, आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं और आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं। और ना सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, बट औरों की जान को भी आप जोखिम में डाल रहे हैं सिर्फ स्टंट के नाम पे। आधे ये लड़के सिर्फ सेल्फी के नाम पे और वीडियो बनाने के चक्कर में ये सब बेवकूफियां करते हैं। खैर, आज के लिए 5 का पंच में बस इतना ही।